इज द बेसिस ऑफ आर सक्सेस. इंडिया टू पावर इज एजुकेशन. और इस एजुकेशन का जो पावर है इसके पीछे कौन है? जैसे एवेंजर्स होते हैं ना, स्पाइडरमैन, बैटमैन और ये सब सुपर हीरोज जिसको बोलते हैं ना हम लोग, सुपर हीरोज, ये कौन है? मैं तो ये इंडियन मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं. ठीक है, हमारे जो ये न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, एटम बम है, दिस इज नॉट आर पावर. जो पेरेंट्स हैं ना हमारे, जो माँ बाप हैं, जो बच्चों के लिए बलिदान देते हैं, सेक्रीफाइस देते हैं, दीज आर द रियल पावर बिहाइंड इंडिया स्टोरी टू इकोनॉमिक सुपरस्टार्डम. जो लोग कहते हैं ना कि ब्राइट स्पॉट तो इंडिया की इकोनॉमी है, दुनिया में इकोनॉमी तबाह हो रही है, लेकिन भारत इज द रे ऑफ होप और भारत से ही होगा. ये क्या स्टोरी है जो लोग इंडिया कर रहे हैं आजकल? ये किसकी स्टोरी है? ये भारत के जो माँ बाप है ना, बच्चों के जो माँ बाप हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं अपना पेट काट के, अगर दो रोटी खानी है तो एक ही रोटी खाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को एक सुपीरियर एजुकेशन देते हैं, ये उन पेरेंट्स की जीत है. दिस इज व्हाई इंडिया इज एट द टॉप. एजुकेशन की ही बात कर लूं तो इसका मतलब कि हमारे से अच्छी एजुकेशन तो मदरसा की वो वहां पे प्रोवाइड करें. जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म मदरसे को इसके साथ जोड़ा जाता है. कितने साल लगेंगे हमें डेवलप होने में कि हम भी कुछ रिबोट्स के बारे में या फिर स्पेस पे जाने के बारे में सोचें? हम काफी पीछे हैं अभी, हमें रिबोट्स से पहले अपनी कुछ और चीजें हैं जिन पे फोकस करना चाहिए और उनको देखना चाहिए. कितने साल लगते हैं कि हम भी थोड़ा आगे निकले? हमें अभी, हमारी तो शायद जिंदगियां गुजर जाएंगी इस चीज में, और अगली हमारी आने वाली नस्लें शायद वो ये कुछ चीज देख सके, और हो सकता है कि वो देख सके, नहीं तो एक उनकी भी गुजरेगी और उसके बाद हो सकते हैं. मेरे ख्याल से अभी तक 5G पाकिस्तान में आते हुए 3 से 4 साल लगेंगे इंडिया में एयरटेल ने और उनका जो एक दो तो आगे होगा ना, जम्मू एंड कश्मीर में भी वो लगाने जा रहे हैं. बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान में आने में 3-4 साल लगेंगे, और रोबोटिक्स तक जो आप कह रहे हो ना, ये पाकिस्तान में आते आते कम से कम 50 साल लगेंगे, क्योंकि जब तक हमारी इकोनॉमी स्टेबल. 50 साल तो पहले ही हम उनसे पीछे हैं. तो अभी 50 साल, वही ना मैं कह रहा हूँ, 50 साल पीछे है ना, तो 50 साल बाद हम उनकी लेवल पे पहुंचेंगे, तो तब सोचेंगे उन्होंने तब तक चांद के ऊपर अपने घर बना भी लिए. वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात की जाए तो वेयर इज इंडिया एंड वेयर इज पाकिस्तान? इंडिया तो बहुत आगे है. इंडिया सिर्फ इसी गूगल के हवाले से सबसे आगे नहीं है, अभी आपने खुद बताया नासा में आगे है. स्पोर्ट्स में देख लें आप, इंडिया की खवातीन कहाँ पहुँच गई हैं, उसके बाद आप उनके बॉर्डर्स तक पहुँचा दी हैं उन्होंने, इवन सियाचिन पर उनकी ड्यूटी मुख्तस की है. जी बिल्कुल ऐसी है, उनके पुलिस में आप देख लें, उनके आर्मी में आप देख लें, खवातीन का बड़ा किरदार है उनके मुल्क में, उनकी खवातीन का बहुत बड़ा किरदार है मुल्क में, बस माशाल्लाह. तो हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं तालीम, हमारी प्रायोरिटी तो ये है कि जो तालीम याफ्ता हैं इनको कैसे हमने जाहिल बनाना है. 35 साल से हमें इन्वेस्ट किया गया है सिर्फ इस चीज़ पे कि हम अपने मुल्क के लोगों को चोरी सिखाएं, अपने मुल्क के लोगों को अखलाक तबाह करें. हमें ये शौर ही नहीं है कि रिश्वत कोई बुरी चीज़ है, बिजली चोरी कोई बुरी चीज़ है, बल्कि जो नहीं करता वो बुरा है और जो करता है वो हमारे सिस्टम का हिस्सा. मुझे बताएं कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा नहीं सही, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को इतना फैसिलिटेट नहीं किया जाता, नंबर्स की बहुत हेरा फेरी है, और इसके अलावा बच्चे जो मेहनती होते हैं उनको इतने नंबर नहीं मिलते तो वो सुसाइड कर लेते हैं, इस तरह के भी बहुत से होते हैं. इसके अलावा अगर देखा जाए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़ के. अगर इंडिया और पाकिस्तान के हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो क्या लगता है किस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेहतर है? इंडिया हमसे बहुत आगे है, क्योंकि मेरे पीछे टीचर होके आए हैं सिंगापुर से, साइंस कंपटीशन था उसके लिए वो गए हुए थे, तो उधर उन्होंने देखा था कि इंडिया के बच्चे पाकिस्तान से ज़्यादा तेज़ हैं. अच्छा. क्योंकि इंडिया अपने बच्चों को ट्रेनिंग कैसे दे रहा है उनको, कि वो दिमाग से करते हैं हर चीज़. हमारा बच्चा तो यहाँ पे टिकटॉक पे बैठा हुआ है, गेम्स पे बैठा हुआ है, पबजी पे, फ्री फायर पे, इन सब चीज़ों पे, लेकिन इधर इंडिया का जो बच्चा है ना वो मेहनत कर रहा है. वहाँ पे अगर आप 6-7 के बच्चे को उठा के हमारे यहाँ के PhD होल्डर को भी उठा के देखें तो कंपेयर नहीं. एजुकेशन की बात करें तो इस वक्त इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में इनको प्रेफर किया जा रहा है, उनके ब्रेन्स की बात की जा रही है, और जो फॉरेनर्स हैं वो ये कहते हैं कि हम इंडिया में 500 कॉलेजेस जो हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं. तो पाकिस्तान की जो एजुकेशन क्वालिटी है वो कहाँ पर जा रही है, कितनी क्वालिटी एजुकेशन पाकिस्तान प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को ताकि वो भी कम्पीट कर सकें और हमारे भी यहाँ पर आकर फॉरेनर्स कहीं, जैसे पहले हमें इदारे नज़र आते हैं कि जो अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए हैं, तो अब कौन बनाने वाला है यहाँ पर? हमारे यहाँ पे आपने बात आखिरी सही की है कि जो अंग्रेज़ों के दौर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे बनाए थे इदारे, आज उनमें लोग जो है ना वो लाइनों में लगे होते हैं कि वहाँ एडमिशन हो जाए बच्चों का, राइट. और उसके बाद हमने एज़ इट इज़ हमारी गवर्नमेंट्स ने 75 सालों में ऐसे इदारे जो है ना वो कायम नहीं किए. बस इस मामले में, तालीम और एजुकेशन के मामले में, चाहे वो दीनी मदारिस हों या वो सेकुलर एजुकेशन हो, स्कूल्स हों, सब ने मायूस किया है. देर इज़ नॉट अ सिंगल इंस्टीट्यूशन के जिसमें जाके तालीम जो है वो हमारे अपने बनाए हों और हम वहाँ पे तालीम हासिल कर सकें और वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोड्यूस कर रहे हों. 500 कॉलेजेस इंडिया के अंदर आके स्टार्ट होने वाले हैं वहाँ पे. वो कह रहे हैं यार आप हमारे पास ना आए, हम आपको वहाँ पे आके जो है ना वो एजुकेशन देते हैं और क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं. तो उसके पीछे एक ही रीज़न है, वो रीज़न ये है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक के मुफाद आमा के लिए बहुत ज्यादा इस वक्त सोच विचार कर रहे हैं. पता होगा कि पिछले साल लाखों की तादाद में पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर डिफरेंट कंट्रीज में चले गए ना, और अगर ये फैसिलिटीज, उन्हें अच्छी एजुकेशन, इस तरह की अच्छी फैसिलिटीज जिस तरह इंडिया अपनी यूथ को देता है उन्हें पाकिस्तान में दी जाती, तो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान छोड़कर ना जाते.
यस, सबसे बड़ी बात है कि उधर पैसे ज़्यादा मिलते हैं। आप हर बंदा जो भी कर रहे हैं, आप एट द एंड ऑफ द डे आप चाहते हो कि आपके पास पैसा हो ताकि आप सुकून से ज़िंदगी गुजारें। वहाँ पर हर किस्म की फील्ड की रिक्वायरमेंट और उसके बाद उनकी जॉब ज़्यादा है। आप इंजीनियरिंग कर लें, आप इवन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिप्लोमा कर लें 2 सालों का, आप किसी अच्छी भी किसी अच्छी सी फर्म में आप सेल्स या HR डिपार्टमेंट कहीं भी जा सकते हैं। और जॉब से आपको इतने पैसे मिल जाते हैं कि आपका रोज़ का खर्चा सेटल हो जाता है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ फीस, आपकी अकोमोडेशन और उसके बाद सारा खर्चा। यहाँ पर इस तरह का सीन नहीं है। अगर मतलब स्ट्रेट अब यहाँ पे 8 घंटे आप पढ़ोगे, 8 घंटे जब आप पढ़ोगे तो आप काम कब करोगे और आप वो चीज़ें जो आप पढ़े हो वो रिवाइज कब करोगे? तो इस तरह से ये फैसिलिटी। उसके बाद अगर आप पढ़ भी जाते हो कोई डिग्री तो उसका स्कोप ही आगे नहीं है, तो फ़ायदा और स्कोप आगे नहीं है। और इवन PhDs वाले रुल रहे हैं क्योंकि रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज नहीं। ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा? मैं बड़े सालों से यही हालात देख रहे हैं अपने पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर के, कब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा और कब बेहतरी आएगी? हर बुक के पीछे लिखा होगा, आपको मिलेगा, एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान। तो एजुकेशन अब हमारी इस तरह की है कि स्कूल्स में आप जाओ या ना जाओ आपको डिग्री मिल जाती है और सीख कुछ भी नहीं रहे, बस रटे पे रटा मारे जा रहे हैं। तो इस तरह से तो आप डेथ वाला सीन है, लाइफ वाला सीन नहीं। वेल बिकॉज ये आपका करिकुलम देखें वो कितना पुराना है, राइट? आप आज भी आई डोंट नो, आप आज भी उसको वो डिस्क वगैरह जो होंगे वही बताना बता रहे होंगे। इवन आप लैपटॉप्स में वो चीज़ें आती नहीं, राइट? 10 साल पहले आप पीछे चले जाएँ, AI नाम की कोई चीज़ नहीं थी, राइट? अब AI ये डेटा एक पूरी फील्ड डेवलप हो चुकी है, राइट? कितने पाकिस्तान में स्कूल्स हैं जो कि ग्रास रूट लेवल पे इस पर काम कर रहे हैं या वो ये कह रहे हैं कि हम ये पढ़ाएंगे, या गवर्नमेंट की तरफ से फॉर दैट मैटर इनिशिएटिव है, या प्राइवेट सेक्टर भी कोई इनिशिएटिव नहीं है इसमें। वो कोई आपने जो अपनी नर्सरी में और अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में जो बुक्स पढ़ी होंगी वो आज भी वही चल रही होंगी मोस्ट।